हम सब अपने खान पान एवं रहन सहन का कितना ध्यान रखते हैं, फिर भी रोग बीमारी से हम सब कभी न कभी जरूर परेशान हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो फिर डॉक्टर के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवा लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे पशु भी बीमार पड़ते होंगे? बीमार पड़ने पर उन्हें भी इलाज की जरूरत पड़ती होगी, नहीं ना? हमारे पशु भी बीमार पड़ते हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि हम मनुष्य अपनी बीमारी बोलकर बता सकते हैं, लेकिन ये पशु नहीं। हमारी बकरियां जो ज़्यादातर बाहरी चारे पर रहती हैं, गलत खान पान एवं मौसम के प्रभाव से कई बार बीमार हो जाती हैं। ज़रूरत है कि हम उनकी बीमारी का सही लक्षण पहचानें एवं उसका इलाज करवाएं। आज हम बकरियों में होने वाली एक ऐसी ही बीमारी पर चर्चा करेंगे जिसमें बाहर चरने के कारण खासकर बरसात के मौसम में बकरियों के पेट में कृमि हो जाता है और वे बीमार हो जाती हैं। बकरी के कृमि नाशन विषय पर विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं कि दीदी और भैया को बकरी पालन के पिछले वीडियो बकरों का बंध्याकरण से कितनी बातें याद हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते भैया। दीदी, आप बकरी पालन वाला पिछला वीडियो जिसमें बताया गया था कि बकरों का बंध्याकरण, वो वीडियो आप देखे थे? हाँ भाई, हम सब दीदी ने देखे थे। अरे वाह, तो उस वीडियो से आप लोग क्या सीखे दीदी? हम लोग सीखे भैया कि बंध्याकरण करवाने से बकरे का विकास बहुत अच्छा होता है। जिन नर बच्चों को प्रजनन नहीं करवाना है उसको हम बंध्याकरण करवा देते हैं। बंध्याकरण करवाने के लिए 6 से 8 सप्ताह तक के समय हम अच्छा होता है। बिल्कुल सही दीदी, अगर आप इस बताए गए तरीके से बकरी पालन करते रहिएगा तो आप सब दीदी लोग को बहुत अच्छा फायदा होगा। आपकी बकरी भी स्वस्थ रहेगी, आपकी बकरी का विकास अच्छे से होगा और आप सब दीदी लोग को बकरी पालन से बहुत अच्छी आमदनी होगी। हाँ भाई, बकरी पालन से समुचित लाभ पाने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें रोग बीमारियों से बचा कर रखें। आइए जानते हैं इस विषय पर हमारे भैया दीदी क्या सोचते हैं। बकरी चरवाई के आता है ना तो पेट वेट फूल जाता है ना, तो हम बोलते हैं कि क्या इलाज करेंगे, पेट वेट फूल गया है, चरवाई क्या आया। बकरी के बारे में हम लोग भैया कुछ नहीं मालूम है, बकरी बीमार हो जाए दस्त हो जाए उसका इलाज हम लोग नहीं कराते हैं। हम तो बकरी पाले, ये बकरी तो मर जाएंगे लेकिन हम इलाज ना करा पाए, हमको खर्चा कहाँ से लाएंगे इतना। जानकारी के अभाव में कभी कभी हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। अगर हमें थोड़ी सी जानकारी हो बकरियों के बीमारी एवं उनके लक्षण के बारे में तो हम समय पर उनका इलाज कर नुकसान से बच सकते हैं। खुले में चरने के कारण खासकर बरसात के दिनों में बकरियों के पेट में चारे के साथ ही कृमि या उसके अंडे का प्रवेश हो जाता है। ये कृमि बकरियों के आंत में रहते हुए उनके भोजन पर जिंदा रहती हैं और उनका खून चूसते रहती हैं। कम उम्र की बकरियों में कृमि होने से उन्हें ज्यादा नुकसान होता है। उनके पेट में कृमि हो जाने के कारण तरह तरह की परेशानी होने लगती है, जैसे उनकी त्वचा में खुरदुरापन आ जाता है। बकरियों का पेट का बायां हिस्सा मटके की तरह फूल जाता है। उनके गर्दन के नीचे भी फूलने की शिकायत होती है। बकरियों को भूख भी नहीं लगती, उन्हें बार बार दस्त या कब्ज हो जाता है। इन सब के कारण उनका शारीरिक विकास सही तरह से नहीं हो पाता, उनके वजन के बढ़वार में भी कमी आ जाती है, साथ ही साथ उनकी प्रजनन क्षमता में भी कमी आ जाती है। बकरियों में कृमि से होने वाले नुकसान से बचने के लिए जरूरी है कि पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित अंतराल पर सही मात्रा में उचित कृमिनाशक दवा खिलाते रहना चाहिए। कृमिनाशक दवा की निश्चित मात्रा बकरियों को पानी में या उनके दाना मिश्रण में मिलाकर देना चाहिए। इस दवा के अच्छे प्रभाव के लिए इसे सुबह के समय ही देना है
और दवा देते समय बकरियों को खाली पेट होना जरूरी है और दवा देने के 1 से 2 घंटे बाद ही उन्हें कुछ खाने भी दिया जाए। यदि दवा पहली बार खिलाया जा रहा हो तो 21 दिनों के बाद फिर से दवा की 1 खुराक देना जरूरी है। उसके बाद हर 3 महीने के अंतराल पर बकरियों को कृमिनाशक दवा खिला दिया जाए। कृमि के प्रकोप से बकरियों में काफी आर्थिक हानि हो रही है। झारखंड नहीं, पूरे भारत वर्ष में कृमि का काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है और इससे क्या होता है कि एनीमिया हो जाता है, खून की कमी हो जाती है, चमड़े की बीमारी हो जाती है, दस्त होती है, विकास दर कम हो जाता है, प्रजनन क्षमता की कमी हो जाती है और गर्दन वगैरह फूला रहता है। हमारे किसान भाई जान लें कि हर 1-3 माह पर कृमिनाशक दवा देना जरूरी है, तो उसको बीच बीच में पशु चिकित्सक से दवा जांच करा करके पखाना से पता लग गया किस तरह का कृमि है, उस तरह से उसका दवा का प्रयोग करें और खास करके बरसात के पहले और बरसात के बाद अवश्य माने कृमिनाशक दवा दें, क्योंकि बरसात के दिनों में इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो और खास करके देखेंगे कृमि का यदि दवा आप नहीं करेंगे तो इसके जो कृमि के कीड़े हैं उसके फेफड़े में चल जाते हैं और बकरियां खांसते बहुत सी बकरियों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से कृमिनाशक दवा दे करके बहुत कम खर्च में हमारे किसान भाई अपने आमदनी को काफ़ी आगे कर सकते हैं। कृमिनाशक दवा जो हमारे किसान भाई देंगे उसके बकरी के शारीरिक भार पर डिपेंड करता है और अलग अलग कृमिनाशक दवा का अलग अलग उसका डोज है, इसलिए दवा देने के पहले जरूर पशु चिकित्सक से सलाह ले करें, मात्रा का निर्धारण करें। कृमिनाशक दवा देने से प्रजनन क्षमता अच्छा रहेगा, उसके चलते बच्चे की संख्या ज़्यादा मिलेगी, विकास तेजी से होगा, तो बहुत कम समय में हम उसे ज़्यादा कीमत ये कर सकते हैं, मृत्यु दर कम होगा और साथ साथ चमड़े की बीमारी भी नहीं के बराबर होती है। तो इस तरह से बहुत फायदे हैं, कृमिनाशक दवा देने से बहुत फायदे हैं, जिससे उनकी आमदनी केवल थोड़ा सा खर्च करके काफ़ी आमदनी अपना बढ़ा सकते हैं। आप सभी भैया दीदी बताए गए तरीके से कृमिनाशक का प्रयोग करते रहिए, जिससे कि आपकी बकरियां सुरक्षित रहें और आप सबको बकरी पालन से अधिक आमदनी होती रहे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बकरियों को PPR रोग के क्या लक्षण होते हैं और इस रोग से हम अपनी बकरियों को कैसे बचा सकते हैं। समझौता न करने वाली बातें। बकरियों के वजन के अनुसार सही मात्रा में कृमिनाशक दवा का प्रयोग पशु चिकित्सक के अनुसार करना चाहिए। यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दवा की पूरी मात्रा दी जाए, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बकरियां दवा की पूरी मात्रा खा लें। दवा के अच्छे प्रभाव के लिए दवा देते समय बकरियों को खाली पेट रखें और दवा सुबह के समय ही दें। कृमि से बचाव के लिए 3 माह से शुरू करके 21 दिनों के बाद फिर से दवा की 1 खुराक देना जरूरी है और हर 3 महीने के अंतराल पर कृमिनाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए।